हेलो माय मीना, होम मेड कुकिंग चैनल में आप लोग का वेलकम है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं आटे का हेल्दी नाश्ता बनाने। ये देखिए बेसिक आटा जो हम रोज रोटी बनाते हैं। तो ये हमारा एक प्याज है और ये हरा धनिया है और ये थोड़ा सा जो है सौंफ है और ये लहसुन अदरक और हरा मिर्चा का पेस्ट है। तो अब हम चल रहे हैं गैस की तरफ। तो देखिए हमने गैस को जला दिया है, कढ़ाही रख दिए हैं, हमारी कढ़ाही गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम आयल डालेंगे। तो आयल एक चम्मच बड़ा चम्मच हमने डाल दिया है। तो हाफ चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे खड़ा, अजवाइन डालेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा हींग डालेंगे फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा सौंफ डालेंगे। अब इसमें हम प्याज को कटे हुए डाल देंगे। अब अच्छी तरह हम इसको चला देंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन मिर्चा हरा का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हम भून लेंगे अच्छी तरह। तो बस इतना हमें सॉफ्ट करना है इसको। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे एक चुटकी और फ्लेवर के लिए हम काश्मीरी लाल मिर्चा डालेंगे थोड़ा सा और तीखापन के लिए थोड़ा सा हम पीसा हुआ लाल मिर्चा डालेंगे बहुत थोड़ा सा। अब अच्छी तरह हम इसको मिला लेंगे। तो अब हम ये कद्दूकस किया हुआ 3 आलू इसमें डालेंगे। अच्छी तरह हम इसको मिला लेंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और ये हरा धनिया को भी डाल देंगे इसमें हम और अच्छी तरह हम मिला लेंगे इसको। तो अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे ताकि गुठलियां ना पड़े। तो देखिए अच्छी तरह हमने मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आटे को मिलाते जाएंगे। देखिए कितना अच्छे से हमारा ये मिल गया है बेटर। तो देखिए अच्छी तरह हमने गुलिया लिया है। अब एक हम थाली में इसको निकाल लेंगे। अब इसको हम गर्मा गर्म हाथों से ऐसे अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए हमारा डो तैयार है। इतना हमें डो मुलायम बनाना है। अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए अब हम लोई को शुरू कर रहे हैं बनाना। ये देखिए इतने बड़े बड़े हमें लोई बनाना है। हल्का सा चिपट कर देना है, बस ऐसे हमें सारे बना लेना है। देखिए ऐसे हम बना लिए हैं और ऐसे सारा हम बना लेंगे। और इधर हमने कढ़ाही को चढ़ा दिया है गैस पे, गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आयल। तो देखिए हमने बना लिया है सारा। तो अब हम चल रहे हैं, देखिए हमारा आयल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। अब इसको हम अलग पलग के अच्छी तरह पकाएंगे। तो देखिए ऐसे अलग पलट के हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह। ना कचौड़ी ना समोसा, ये बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा हो चुका है नाश्ता। अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। देखिए आप लोग कितना अच्छा जैसे लग रहा है कि बाटी। ये दोस्तों बहुत अच्छा नाश्ता और जल्दी भी है और टेस्टी भी होता है। देखिए कितना अच्छा हमने बना लिया है सारा। अब हम सर्व करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा कचौड़ी न समोसा न पकौड़ी कितना अच्छा हमने बनाया है। आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करिएगा दोस्तों। और देखिए कितना अच्छा से देखिए फट गया है ये बाटी से भी अच्छा बना है। देखिए कितना जालीदार परफेक्ट। और आप लोग लीजिए, खा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।